नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालायाम एक्सपीरियंस में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बालायाम करते हैं तो वीडियो दोस्तों पूरा आप एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये वीडियो देखना। एक्चुअली दोस्तों, ये वीडियो मुझे बहुत पहले डाल देना चाहिए था, लेकिन दोस्तों काफ़ी लेट इस वीडियो को मैं ला रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बालायाम आपको करते हुए 6 या 7 महीने या 8 महीने या जितने भी दिन दोस्तों आप लोगों को हो गए हो, अक्सर दोस्तों बालायाम जब हम करना शुरू कर देते हैं तो 6 या 7 महीने बाद हमें बेबी हेयर दोस्तों, हमारे छोटे छोटे बेबी हेयर जो रोवे से भी ज़्यादा दोस्तों, आपके जो हाथ के जो रोवे होते हैं दोस्तों, उनसे पतले पतले हेयर हमारे स्कैल्प पे आना शुरू हो जाते हैं, और वो अक्सर दोस्तों वो रुकते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, वो हेयर एक्चुअली में दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बेबी हेयर एक्चुअली में ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। छोटे छोटे हेयर जो आते हैं वो जल्दी स्कैल्प पे रुकते नहीं हैं, टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं वापस। लेकिन दोस्तों, ये टूटना और झड़ना ये बालों का दोस्तों दोनों लगा रहता है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि 8 या 9 महीने हमें बालायाम करते हो गए हैं और बेबी हेयर हमारे स्कैल्प पे आ तो रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, आज उसी विषय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आप दोनों ही तरीकों में से आप एक तरीका अपना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों, नेचुरल तरीके से। जी हाँ दोस्तों, नेचुरल तरीके से अगर आप अपने बेबी हेयर को रोकना चाहते हैं, आप कोई मेडिसिन या कुछ आप दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ये नेचुरल तरीका अपना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, एक अच्छी से अच्छी दोस्तों मैंने डाइट हेल्दी डाइट ले रहे हैं आप, अच्छे से अच्छा अपने खाने पीने पर ध्यान दे रहे हैं, हफ्ते में दोस्तों 3 दिन स्कैल्प मसाज अच्छे से, मतलब आप दोस्तों अच्छे से तरीके से स्कैल्प मसाज करिए, ज़्यादा ज़ोर से रगड़ के मत करिए, बिल्कुल नॉर्मल हल्के हाथों से आप अपने स्कैल्प मसाज करिए। और उसके बाद फिर आप दोस्तों हेल्दी डाइट लीजिए। अगर ये सभी चीज़ें आप अच्छे से कर रहे हैं, और दोस्तों हाँ, आंवला जूस, अगर हम आंवला की दोस्तों बात करें तो आंवला हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपका साथ ही साथ DHT भी ब्लॉक करता है, और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको बालों को भी झड़ने से रोकता है। तो दोस्तों, आंवला जूस लेना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे तो आप आंवला की कैंडी ले सकते हैं, आंवला का चूर्ण ले सकते हैं, या आप आंवला जूस पी सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक्चुअली किसी ने, 2-3 लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई फिर भी बाल मेरे झड़ रहे हैं, इसके वो बेबी हेयर आ तो रहे हैं लेकिन स्कैल्प पे रुक नहीं रहे। तो दोस्तों, आपने मेडिसिन एक्चुअली मैं भी कुछ दिनों पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि स्कैल्प पे बेबी हेयर रुक क्यों नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक्चुअली में दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा। ये जिस टैबलेट का मैं नाम दोस्तों लेने जा रहा हूँ, या एक्चुअली में दोस्तों मैंने भी लिया था 1 महीने तक, इसके दोस्तों कोई भी साइड इफेक्ट तो मुझे नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी लोग सोचते हैं कि नहीं, टैबलेट वगैरह लेने से साइड इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि दोस्तों अब मैंने ये टैबलेट का नाम बताया तो आप इसे लेना शुरू कर दें, आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, आप मेडिकल स्टोर वाले से भी आप दोस्तों ये पूछ सकते हैं। केवल एक समझ लीजिए मल्टी विटामिन्स की ये टैबलेट है दोस्तों, वी वी सेवन हेयर करके टैबलेट आता है दोस्तों। ये एक्चुअली कुछ 165 या 145 रुपए के आसपास में आता है दोस्तों। मैंने बहुत पहले दो मैंने 1 महीने तक लिया था दोस्तों, केवल रात को सोते समय एक गोली मैंने, मतलब एक कैप्सूल हर हर दिन मैं खाता था। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद मैं वो ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहा हूँ अपने बालों के लिए, जो मुझे विटामिन जो प्रोटीन जो मुझे चाहिए वो शायद मैं ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा ज़रूर नहीं है कि आप भी ये मेडिसिन का सहारा लें। आप अगर हेल्दी दोस्तों हेल्दी से हेल्दी डाइट आप लीजिए, अच्छे अच्छे से दोस्तों आंवला जूस के, और दोस्तों हाँ, पपैया पपैया दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पपैया आपके शहर में दोस्तों मिल रहा है, या आप जहाँ भी हैं दोस्तों, वैसे हर जगह आपको पपैया मिल ही जाएगा, तो दोस्तों आप पपैया का सेवन कर सकते हैं। वो आप जब खाएंगे तो आपके बाल दोस्तों बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, और बेबी हेयर भी धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप अपने बालों के लिए वो प्रोटीन और विटामिन्स आप नहीं दे पा रहे हैं अपने बालों को पोषण, तो आप इस मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं दोस्तों, VV7 हेयर दोस्तों, ये उस टैबलेट का नाम है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर वो टैबलेट नहीं मिल रही है, तो आप दोस्तों फॉली हेयर करके आप एक कैप्सूल आता है, आप वो भी ले सकते हैं।
दोनों ही में बहुत सारे कैप्सूल दोस्तों बनाए गए हैं। VB7 हेयर जो मैंने अभी बताया है, ये भी दोस्तों बालों के लिए उतना ही जरूरी, उतना ही दोस्तों प्रोटीन और विटामिन्स में उसमें मिल जाते हैं। और दोस्तों फॉली हेयर करके है, उसमें भी सेम चीज़ें यही आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि नहीं, आप अपने खाने पीने के जरिए आप अपने बालों को प्रोटीन विटामिन्स नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इन कैप्सूल की सहा आप इन दवाइयों का सहारा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे, हमें इन दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि दोस्तों आप अगर दवाइयों पर निर्भर हो जाएंगे तो फिर आप यही सोचेंगे कि चलो ये दवाइयाँ जब तक हम ले रहे हैं तब तक हमारे बाल रुकेंगे, और जैसे ही आप दवाइयों का सेवन करना बंद कर देंगे वैसे ही आपके बाल झड़ना फिर से शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये दवाइयाँ जो हैं आपके बालों को झड़ने झड़ने से भी रोकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आपके बाल कहीं ना कहीं दोस्तों आप इन दवाइयों को जब आप इनका सेवन करेंगे तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों लेना कैसे है, आपको रात को सोते समय खाना पीना खा के आप 1-1.5 घंटे बाद आप VB7 हेयर ले रहे हैं, तो आप इसमें से दोस्तों एक गोली, आप एक कैप्सूल रात को सोते समय आप खा लें, और बस दोस्तों एक ही कैप्सूल खाना है। और दोस्तों रही बात इसके साइड इफेक्ट, तो दोस्तों मुझे मुझे इसका कुछ साइड इफेक्ट तो मेरे मैंने इसको 1 महीने तक ही दोस्तों खाया था, मुझे तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं हुए थे दोस्तों। लेकिन अगर आपको कुछ भी शक है या आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके डॉक्टर से भी आप दोस्तों सलाह ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप पहले आप जो भी जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं आप इन तरीकों को अपना के देख लें, उसके बाद अगर आपके बेबी हेयर फिर भी नहीं रुक रहे तो आप इन मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था।